हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो थंबनेल देख के आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आज का जो हॉल वीडियो होने वाला है वो मीशो होम डेकोर हॉल वीडियो होने वाला है। तो काफ़ी लेटेस्ट सा और अमेजिंग सा कलेक्शन होने वाला है। तो आज वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, काफ़ी प्यारे प्यारे से कलेक्शन मैं आज की वीडियो में लेकर आई हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो आपसे मोस्ट रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट प्रोडक्ट के साथ। तो बैकग्राउंड में आप ये देख सकते हैं, ये एक आर्टिफिशियल प्लांट मैंने मंगाया था मीशो से। तो ये है वो प्लांट। तो अप्रॉक्स ये 200 के आसपास ये मुझे पड़ा था। एकदम ओरिजिनल ये प्लांट के लुक जैसा ही लगता है, ऐसा नहीं लगता कि ये आर्टिफिशियल प्लांट है। और मैंने इस तरीके के ये बड़े बड़े ये लीफ वाले मैंने इस तरीके के आर्टिफिशियल प्लांट मंगाए थे। तो इसमें मैंने एक कंटेनर में इसे इसमें रेत यहाँ तक फिल करके उसके बाद इसको अटैच कर दिया ताकि ये इधर उधर से मतलब गिरने के चांसेस कम हों। तो ये है ये वो प्लांट। और इसको मैंने इसमें रखने के लिए मैंने एक इस तरीके का ये मीशो से मैंने ये 3 स्टैंड वाला ये मैंने ये मंगाया था। इसे अटैच करके आप इसे रख सकते हैं अपने बालकनी वगैरह में, आप इसे रख सकते हैं। और इसे मैं इसका ये जो काफ़ी ब्रॉड सा था ये, तो इसमें मैंने कुछ फिल नहीं किया। इसे मैंने बोतल एक कंटेनर की हेल्प से इसमें मैंने इसे अटैच कर दिया। तो एकदम ही रियल लुक देता है इस प्लांट का। तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे ये मुझे मीशो से मिल गया था। एकदम रियल लुक वाला ये प्लांट, काफ़ी अच्छा और कम प्राइस में ये मीशो से मिल गया। इसका जो कोड है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं और आप वहाँ इसे डेफिनेटली ले सकते हैं। काफ़ी प्यारा सा ये प्रोडक्ट है। तो ये है वो सेकेंड प्रोडक्ट, होम डेकोर हॉल वीडियो का ये सेकेंड प्रोडक्ट है। तो इस तरीके का मैंने 2 वॉस मंगाए हैं। तो ये वॉस है, अनब्रेकेबल वॉस है ये। तो इसका जो था सिरेमिक वगैरह का भी मिल रहा था, बट मैंने इसे प्लास्टिक के इसमें मंगाया क्योंकि गिरने विरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सिरेमिक वगैरह अगर एक बार टूट गए तो काफ़ी पैसा वेस्ट हो जाता है। तो अगर आप इस प्लास्टिक वाले वास पे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको लाइफ टाइम आपको ये चलेगा। काफ़ी अच्छा और एकदम रियल जैसा नहीं लगेगा कि प्लास्टिक का है, दूर से आपको ऐसा दिखाई देने वाला है कि ये सचमुच सिरेमिक वगैरह का ये वास है। तो काफ़ी अच्छे प्राइस पे ये मुझे मीशो से मिल गया है। इसका भी जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। काफ़ी प्यारा प्यारा सा ये वास है। वास तो मैंने मंगा लिया, तो उसको इसमें इसमें लगाने के लिए मैंने 2 फ्लावर भी बंचेस भी मंगा लिए हैं। तो ट्यूलिप का ये फ्लावर मंगाया है। सो सारे ही प्रोडक्ट मैंने अनपैक करके रखा हुआ था, बस मुझे दिखाना है बस आप लोगों को। अनपैक पहले से कर रखा हुआ है। तो ये मैंने 5 ट्यूलिप ऑर्डर किए हैं। तो काफ़ी प्यारे प्यारे से ये देखिए ट्यूलिप मुझे मिल गए हैं। तो ये भी मैंने सेल में लिया था, ये काफ़ी कम प्राइस में मिल गया मुझे। तो 282 इसका ओरिजिनल प्राइस है, बट ये मुझे 250 के अराउंड ये 5 ट्यूलिप मुझे मिले हैं। तो ये आपको मैं लगा के दिखाती हूँ। तो इसमें आपको मैं ये लगा के दिखाती हूँ, शायद इसको ये सीधा करना पड़ेगा यहाँ से, उसके बाद ही इसमें अटैच करना पड़ेगा। तो ये वहाँ से ये जो है आपको ऐसा फोल्ड करके ही आता है, आपको ऐसा सीधा करके इसे लगाना पड़ता है अपने वास में। तो ये देखिए काफ़ी प्यारा सा ये फ्लावर, आप इसके साथ कितना प्यारा लग रहा है ये वास। इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए, कोई कह ही नहीं सकता कि ये सेम ये प्लास्टिक का वास है। ऐसा सबको ये ऐसा लुक देने वाला है कि जैसा ये ओरिजिनल सिरेमिक का ही ये वास है। काफ़ी प्यारा सा ये प्रोडक्ट है। तो सेकंड वास के लिए भी मैंने सेम ट्यूलिप ही ऑर्डर किया है, बट कलर चेंज है। तो ये मैंने एक 5 ट्यूलिप ऑर्डर किए हैं। ये देखिए काफ़ी प्यारे प्यारे से ये ट्यूलिप हैं। तो ये भी ऐसे ही अगेन ये भी ऐसा उन्होंने फोल्ड करके दिया हुआ है, तो सीधा करके हम इसे भी लगा लेते हैं।
तो उन्होंने एक ट्यूलिप पे मुझे यहाँ दोनों साइड मुझे एक भी यहाँ पे लीफ नहीं प्रोवाइड किया, बट कोई नहीं, इसके लिए मैं एक ट्यूलिप के लिए मैं रिटर्न भी नहीं करने वाली, क्योंकि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे ये मुझे शो से रिसीव हुआ है। तो अगर आपको ये दोनों ही प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हों तो आप डेफिनेटली वीडियो के लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो इन सबका इसका लिंक आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी प्यारे प्यारे से ये प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करना जो गेस कीजिए क्या हो सकता है। तो ये है वो बॉक्स, तो आपको अभी ओपन करके दिखाती हूँ। काफ़ी क्यूट सा ये आपको रिसीव हो जाएगा। मीशो से मैंने मंगाया है ये फ्रॉग, तो आप देख सकते हैं कितना क्यूट सा है ये फ्रॉग। तो ऐसे मुझे तीन फ्रॉग रिसीव हुए हैं इस बॉक्स में। तो ये है, तीनों की सिचुएशन अलग अलग है, तो ये आप ये देख सकते हैं। किसी ने अपने हेड पे दोनों हाथ रखे हुए हैं, तो किसी ने एक अपने हेड पे एक हाथ रखा है, किसी ने अपने ये लीफ ओढ़ के अपना हाथ रखा हुआ है। तो काफ़ी प्यारे प्यारे से हैं। तो ये आउटडोर स्टैचू है, अगर आप इसे गार्डन वार्डन में और अगर अपने बालकनी वगैरह में आप इसे रखते हैं तो काफ़ी प्यारा सा ये लुक देगा, बहुत अच्छा है ये। और इसका जो मटेरियल है वो आई थिंक मैं बता नहीं पाऊँगी आपको, बट ये पानी वगैरह में घुलने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है कि पानी में घुल जाएगा। और इसकी जो पेंट की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि बारिश वगैरह हुई और आपको इसे आपने गार्डन में रखा है और बारिश की वजह से इसके जो कलर है वो निकल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि मैंने इसे एक दिन बारिश में रखा भी था अपने गार्डन में, तो इसके पेंट वगैरह पे कोई असर नहीं पड़ा, बिल्कुल नेचुरल वैसा ही लुक देता है जैसा कि ये रियल फ्रॉग है। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, वीडियो का लास्ट प्रोडक्ट है ये। तो मैंने क्यूट क्यूट से दो मिनी प्लांट मंगाए थे, इसे मैं आपको इस बॉक्स में ही आया था, तो अभी मैंने इसे ओपन किया है। तो ये मुझे अप्रॉक्स 80 रुपीज़ का, आप यकीन नहीं करेंगे, ये मुझे अप्रॉक्स सेल में मुझे 80 रुपीज़ का ये पड़ा है। तो काफ़ी प्यारा सा ये मिनी प्लांट है, तो आप इसे अपने अलमीरा वगैरह पे सजा सकते हैं। काफ़ी प्यारा सा ये लुक आएगा, एकदम ओरिजिनल ये जैसा ग्रास है और ओरिजिनल ग्रास जैसा ये लुक देता है। और बीच बीच में छोटे छोटे आप देख सकते हैं, पास से आप देख सकते हैं मिनी जैसे फ्लावर आपको बीच बीच में इसमें असेंबल किए गए हैं, तो काफ़ी प्यारा सा ये लुक देता है। तो ये था मेरा मीशो से है होम डेकोर हॉल वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और आप ज़रूर से बताएं कि मैं आगे आपके लिए कौन सा हॉल वीडियो लेके आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।